एक प्रतापनगर का नाम लिया, ये सांगानेर विधानसभा का क्षेत्र है, एक बगरू विधानसभा में बगरू नगर पालिका, इसमें पानी की जबरदस्त समस्या है और है जो बिल्कुल फ्लोराइड पानी है। बिजली की भी वहां पर जिस प्रकार से आपूर्ति हो रही है वो बिजली की आपूर्ति में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा भाकरोटा जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का है, सिटी का एरिया है, जो 33, 34 और 35 नगर निगम के पुराने वार्ड आ रहे हैं, इन वार्डो में अभी तक बिशनपुर का पानी नाम मात्र का भी नहीं आया है, तो इसकी क्या इनकी योजना है। दूसरा जो 1700 टैंकर्स की अभी बात की है, वो 1700 टैंकर जयपुर सिटी में कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे, कौन सी विधानसभा में कितने टैंकर जा रहे हैं, जहां पर बिशनपुर पानी नहीं है, जहां पर हैंडपंप नहीं है, वहां किस तरह से सप्लाई हो रही है, इसकी पूरी जानकारी एक बार हो जाए तो ठीक है। अभी उन्होंने कहा कि खो नागोड़िया में हमने 5000 कनेक्शन अभी बिशनपुर के दिए हैं, मेरे को लगता नहीं है कि 5000 कनेक्शन अभी हुए होंगे। दूसरा वहां पर खुर नागोड़िया में 49, 50 और 51 वार्ड में पाइपलाइन बन गई, वहां की एक टंकी बन चुकी है, उसके बावजूद भी टेस्टिंग भी नहीं हुआ बिशनपुर का, पानी आना तो बहुत दूर है, अभी टेस्टिंग नहीं किया, अभी गर्मी में भी अगर पानी नहीं देंगे तो कब देंगे पानी, तो इस बारे में थोड़ा एक बार नोट कर ले। और अभी जिस तरह से भी उन्होंने कहा कि आपने भी कहा कि कितने ग्रिड स्टेशन बना रहे हैं, तो उनका बिल्कुल प्रॉपर जवाब उनका आया नहीं कि पहले तो कितने स्टेशन आपके इसके सब ग्रिड स्टेशन बने हुए हैं और चार और बना रहे हैं, तो चार के लिए कौन कौन सी जगह पर ये बिजली की सप्लाई कहां बाधित हो रही है, कहां इसकी पूर्ति होगी, इस बारे में भी पूरी एक बार जानकारी देंगे तो मैं समझता हूँ कि ठीक होगा। अभी वीसी के माध्यम से प्रॉपर बात होनी भी बात हो भी नहीं पा रही है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सांगानेर जो आपका विद्याधर नगर, आपका सिविल लाइन, आपका ये जो क्या नाम से आदर्श नगर विधानसभा है, ये काफी रूरल एरिया पर लगता हुआ है ये एरिया विधानसभा में, तो इनके लिए क्या व्यवस्था अभी ये कर रहे हैं, क्या हैंडपंप लगाएंगे, ट्यूबवेल लगाएंगे या इसकी पानी की लाइन डालेंगे, क्या इनकी योजना है, तो ये बात प्रॉपर इसमें अगर बताएंगे तो मैं समझता हूँ ठीक होगा।